आर रोल टुगेदर बियरिंग नंबर्स, नंबर्स क्या क्या लिखे हुए डाइस पे, 4, 6, 7, 9, 11, 12। नॉर्मली 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा होता है डाइस पे, यहां पे डिफरेंट नंबर्स लिखे गए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑब्टेन इज एन ऑड नंबर। तो देखो दोनों डाइस रोल किए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, तो जो सैंपल स्पेस होगा टोटल वो कितना होगा, 36। कितना होगा, 36। तो आप लिखोगे सैंपल स्पेस, पहले 4 से बनाते हैं, तो एक डाइस पे 4 आया, दूसरे पे भी 4 है ना, फिर क्या आएगा 4.6, फिर क्या आएगा 4.7, फिर क्या आएगा 4.9, 4.11 एंड 4.12, यही आएगा ना, ध्यान से देखना। इसी तरीके से 6 का भी आएगा 6.4 है ना, 6.6, 6.7, 6.9, 6.11, 6.12, यही होगा। फिर इसी तरीके से 7 का भी होगा 7.4, ठीक है, 7.6, 7.7, डॉट डॉट डॉट, 7, क्या आएगा, 12, यही आएगा। चलो अभी सारे सैंपल स्पेस में लिखूंगा इस तरीके से, तो 3 और लिखे, 3 रो मैंने लिखा, 3 और रो मैं लिखूंगा, तब जाके ये 36 होंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, सारे सैंपल स्पेस लिखने को बोला नहीं है ऐसा कुछ, है ना, हमें ऐसे ही पता चल जाएगा कि ऑड नंबर्स कौन से हैं। तो पहले ऑड देखते हैं कौन कौन से आएंगे, प्रोडक्ट ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो ऑड और ऑड का मल्टीप्लीकेशन ही ऑड आएगा, ये याद रहे, ऑड इंटू ऑड करोगे तो ये क्या आएगा, ऑड आएगा, है ना। तो इसमें जहां पे ऑड इंटू ऑड है वही अपन पिक करेंगे। तो देखो ऑड क्या है, 7, 9 और 11, है ना। तो 7 का क्या देखेंगे हम, 7, 9 और 11 के साथ, 7, 7, 7, 9, 7, 11, और फिर 9 का भी ऐसे, यहां पे आपको 7, 7 मिलेगा, फिर यहां पे क्या मिलेगा, 7, 9 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 7, 11 मिलेगा, है ना, यही मिलेगा। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 7 के साथ। सिमिलरली 9 भी ऑड नंबर है, तो 9 का भी, तो 9 का किसके साथ, तो 9, 7, 9, 9 एंड 9, 11, यही मिलेगा। और फिर सिमिलरली आप 11 का भी ऐसे ही करोगे, तो 11, 7, 11, 9 एंड 11, 11 मिलेगा, है ना। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो रहे हैं जो ऑड देंगे प्रोडक्ट, वो कितने हैं, यही है अपने, है ना, ये कितने हैं, 3, 3, 6, 3, 9, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 9, कितने हो गए, 9, एंड 9 वो है जिनका प्रोडक्ट ऑड, जिनकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, है ना, एंड अपॉन टोटल सैंपल स्पेस 36, काट लो, सो 1/4 क्या आ जाएगा, 4, दिस इज द आंसर, समझ रहे हैं।